रही हैं राजनीतिक, बौद्धिक, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र को लेकर, और कन्फ्यूजन है। हर व्यक्ति इसको अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, किंतु एक आम सनातनी सिर्फ आगे अंधेरा देखता है क्योंकि कुछ परिभाषित नहीं है। मैं आपके से निवेदन करूंगा कि इसकी परिभाषा बौद्धिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे कम से कम एक सनातनी को, एक आम सनातनी को समझ में आ जाए, इसको विस्तार से समझाने का। पहली बात तो यह कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की चर्चा कहाँ से चली, यहाँ से चली। 30 साल पहले मैं जब शंकराचार्य हुआ तो मैंने ही तो कहा था, नकल लोग कर रहे अकल के बिना। नकल तो हो रही है अकल के बिना, बहुत बढ़िया बात है। लोग भारत अखंड लोग कहने लगे, पाकिस्तान में भी चर्चा होने लगी भारत हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन जहाँ से लहर चली, जहाँ से आवाज़ पहले आई, इसी आवाज़ के कारण मेरा नाम 30 साल पहले 8 जगह हिटलिस्ट में लिखा गया था। आज पाकिस्तान में भी भारत की अखंडता, हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, सबके पूर्वज का नाम हिंदू है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला जो तंत्र होगा, वाद होगा, पक्ष होगा, सिद्धांत होगा, आज का विश्व से स्वीकार करेगा। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में अगर सामंजस्य साधना नहीं आता तो विश्व आज को स्वीकार नहीं करेगा। विश्व इतना प्रबुद्ध हो चुका है कि सनातन सिद्धांत को ही विश्व स्वीकार करने के लिए तत्पर भी है, बाध्य भी है। नान्य पंथा विद्यते या नाया, उदाहरण के लिए अर्थ की बात महानुभावों ने की, अर्थशास्त्र के विद्वानों को विचार करना चाहिए कि सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इससे बढ़िया अर्थ की कोई भूमिका हो सकती है कि? और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, तो आर्थिक विपन्नता बनी रहेगी, अनावश्यक विषमता बनी रहेगी। अर्थ की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत को ही मानना पड़ेगा। फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़िया अर्थ और एक संकेत करता हूँ। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के आधार पर 99% अर्थ अतिरिक्त सिद्ध होते हैं, जिनका ज्ञान भौतिकवादियों को नहीं। भौतिकवादियों को केवल 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान है, उसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। उनके भी सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों को प्राप्त नहीं है। जितने भौतिकवादी हैं अर्थ अर्थ चिल्लाते तो हैं, लेकिन अर्थ का 99% स्रोत भौतिकवादियों की दृष्टि में है ही नहीं। उनके हृदय में ऐसी क्षमता नहीं है कि अर्थ के 99% स्रोत को जान सकें। हम लोग अर्थ के 100% स्रोत को जानते हैं। व्यावहारिक धरातल पर भौतिकवादी अर्थ का 1% स्रोत जानता है, जिसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, और श्री सूक्तम के अनुसार पहले ही पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका उपयोग और विनियोग हो उसका नाम अर्थ है। देह भी अर्थ है, इंद्रियां भी अर्थ है, अंतःकरण भी अर्थ है, प्राण भी अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण जीवात्मा भी अर्थ है। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता तब तक मिट नहीं सकती जब तक हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित ना हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त ना हो। अमेरिका भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा धनी माना जाता है, अंदर की बात है, खोखला है। क्यों? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित नहीं और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त नहीं। वहाँ तो पति पत्नी एक जगह होते हैं तो एक एक रिवाल्वर, पता नहीं पति हमला बोल दे या पत्नी हमला बोल दे, एक एक रिवाल्वर चुपके से रखते हैं, वहाँ क्या होगा। इसलिए सनातन मार्ग पर चलने से ही आर्थिक दृष्टि से भी समृद्धि हो सकती है। फिर मैं कहता हूँ, 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान तो भौतिकवादियों को है ही नहीं।
एक प्रतिशत अर्थ के स्रोत का ज्ञान है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश उनके भी सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं। क्यों? भौतिकवादियों की दृष्टि इंद्रिय तादात्म्यपन होती है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। भौतिकवादी की योजना जितनी होती है वो तो दो दिन में ही चकनाचूर। इसलिए सनातन शास्त्र सम्मत विधा का आलम्बन लेकर ही आर्थिक असंतुलन का निवारण हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से भी विश्व में समृद्धि प्राप्त हो सकती है। 99% जो अर्थ के स्रोत विलुप्त हैं उनकी उद्भावना भी की जा सकती है। आगे